क्या आप भी है बाजार में बिकने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट से परेशान? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं एक ऐसी रेमेडी लेकर के आई हूँ जिससे आप घर में बिना एक भी रुपया खर्च किए, हाँ बिना एक भी रुपया खर्च किए, आप घर में बैठे बैठे बना सकते हैं एक फेस वॉश एंड फेस पैक, जिसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। सारी चीजें घर से ही मिल जाएंगी आपको और आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा शाइनिंग हो जाएगी, बहुत ही हेल्दी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट। हाय गाइस, मैं हूं सुरभि और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में सुरभि द इंडियन गर्ल। मैं इतनी अच्छी रेमेडी लेकर के आई हूँ, आपके सारे पैसे बचाने वाली हूँ मैं आज। तो अभी अभी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखें और हाँ, जाते जाते मेरे को एक लाइक जरूर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, आप इसको बना के अच्छे से स्टोर कर सकते हैं तो आप कितना भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें लिया है बेसन, और अगर आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं इसमें, और ना चाहें तो नहीं डालें, मर्जी है आपकी, पर मैं डाल रही हूँ इसमें मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जस्ट हाफ लेंगे, जितना हमने बेसन लिया है उसकी हाफ मुल्तानी मिट्टी लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे हल्दी, मैं ये कस्तूरी हल्दी ले रही हूँ, ये कस्तूरी हल्दी ले रही हूँ मैं, और आप कोई आप नॉर्मल हल्दी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद होती है, आप वो भी ले सकते हैं, पर कस्तूरी हल्दी के फायदे बहुत ज्यादा होते हैं और ये हमारे स्किन के लिए ही बनी होती है। तो मैं कस्तूरी हल्दी ले रही हूँ, नॉर्मल हल्दी से 10 times ज्यादा बेटर होती है, तो आप वो भी ले सकते हैं नॉर्मल हल्दी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपके फेस को पीला पीला कर देती है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये वाली हल्दी बिल्कुल निखार लेकर के आएगी, अगर ये है तो आप ये डाल लीजिए, वरना आप घर की नॉर्मल हल्दी भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक एयर टाइट कंटेनर में इसको हम स्टोर करके रख लेंगे। मैंने जो अभी मिक्स करके तैयार किया था, मैंने इसको अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख लिया है और अब हम ये हमारा फेस वॉश बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसको फटाफट से लेंगे अपने हाथ में और पानी से इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे और फेस पे लगा लेंगे और एकदम वॉश कर लेंगे। हमारा फेस वॉश बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन अगर हमें फेस वॉश को इसी फेस वॉश को हम एज अ फेस पैक भी यूज कर सकते हैं, फेस पैक के भी इंग्रेडिएंट्स यही हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको ये लेना है, साथ में अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप लेंगे हनी, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप लेंगे रोज वाटर, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप ये दोनों लेंगे, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और मेन इंग्रेडिएंट हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, कैसे बनाएंगे और कैसे लगाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं फेस पैक। देखिए जो मैंने बनाया है अभी वही मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा लेंगे आप, और मेरी स्किन ऑयली है बहुत ज्यादा तो मैं इसमें ऐड करूंगी रोज वाटर। जिसकी ड्राई है वो प्लीज हनी यूज करें, जिसकी नॉर्मल है वो दोनों यूज कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रोज वाटर और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। मेरा बन चुका है अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट, और मैं आपको दिखाती हूँ फेस पे लगाकर कि ये कैसा लग रहा है। गाइज, आई होप आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी होगी, बहुत यूजफुल लगी होगी, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, और आप इसे जरूर इस्तेमाल करके देखें, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, बहुत ही हेल्दी हो जाएगी, और आपको बाजार के प्रोडक्ट यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को यूज करके देखें तो फिर ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।